हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि अगर हम उसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए बचा हुआ चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलो देखते हैं आगे चैप्टर में क्या होता है। Eager to get away from crowd in London, he took a train to the village of Epping, where he booked two rooms at a local inn. अब कहते हैं कि ग्रिफिन ईगर होता है, उत्सुक होता है लंदन से निकलने के लिए और वो विलेज ईपिंग के लिए ट्रेन लेता है और वहाँ पे लोकल इन्स में टू रूम्स बुक करवाता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपेयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कि विंटर्स में एक स्ट्रेंजर का वहाँ जाना एक अनयूजुअल इवेंट था और कहते हैं कि स्ट्रेंजर जो था उसकी अपेयरेंस भी बहुत अजीब थी और सब में वो चर्चा का विषय बनी हुई थी। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक and told her, my reason for coming to Epping is a desire for solitude. अब कहते हैं कि मिसिस हॉल जो है, जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ है, वो हर मुमकिन कोशिश करती है उसके साथ फ्रेंडली होने के लिए, बट ग्रिफिन जो है उसे कहता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं थी उसके साथ बात करने के लिए और उसे ये भी कहता है कि उसका यहाँ आने का कारण ये है कि वो एकांत चाहता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और वो कहता है कि एक एक्सीडेंट में जो है मेरा फेस जो है वो ख़राब हो चुका है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब कहते हैं कि जो मिसिस हॉल थी वो सेटिस्फाई हो गई, उसने मान लिया कि उसका जो गेस्ट है वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। एसेंट्रिक मीन्स सनकी साइंटिस्ट है और कहते कि सच्ची बात तो ये है उसने एडवांस में पे करा हुआ था, इसलिए अब वो उसके सारे एक्सक्यूजेस बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। He pretended, however, that he was expecting a check in to arrive at any moment. अब क्या कहते हैं कि अब उस जो पैसे चुराए हुए उसने लाए थे, कहते हैं वो ज़्यादा देर तो रहने नहीं थे और आखिर में उसको ये एडमिट करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि अब उसके पास और कैश नहीं है। साथ ही वो ये दर्शाता है, प्रिटेंड करते हैं कि उसका कुछ ही पलों में उसका चेक जो है वो आने वाला है। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, curious episode होता है। क्या होता है, एक्चुअली कहते हैं सुबह बहुत जल्दी early morning clergyman और उसकी wife जो हैं वो उनकी studies से उनको कुछ शोर आता है तो वो उठ जाते हैं। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. कहते वो धीरे धीरे जब स्टेयर्स उतर रहे होते हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे क्लर्जी मैन के डेस्क से कोई पैसे निकाल रहा हो। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद द पॉकर ग्रैब्स फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। कहते हैं कि फिर बिना आवाज़ किए वो हाथ में एक रॉड सी पकड़ के सीधे से एक फटाक से दरवाज़ा खोलता है और कहता है सरेंडर। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. तो कहते हैरानगी वाली बात ये थी उसके लिए कि रूम तो खाली था। कहते वो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जो हैं डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टन्स के पीछे देखते हैं, इवन की चिमनी में भी देखते हैं। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी वन Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. कहते हैं वहाँ पर तो कोई नहीं था लेकिन फिर भी कहते हैं कि
उनका जो डेस्क था वो ओपन था और उससे जो हाउसकीपिंग मनी वहाँ थी वो भी वहाँ से गायब थी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कहते हैं कि क्लर्जीमैन क्या कहता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर की बहुत विचित्र घटना घटी है, यही बात वो रेस्ट ऑफ द डे मीन्स पूरा दिन फिर वो कहता रहता है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। कहते हैं ये घटना जो थी इतनी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थी जितना कि कुछ देर बाद जो था मिसेस हॉल के फर्नीचर का जो बिहेवियर हुआ था उससे ज़्यादा ये विचित्र नहीं थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। कहते हैं कि लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो थी वो सुबह जल्दी उठे और हैरान हो गए देखकर कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा तो एकदम खुला हुआ है, अक्सर उसका दरवाज़ा हमेशा बंद और लॉक्ड रहता था और जब भी कोई एंटर करता उसके रूम में तो बहुत गुस्सा होता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। उनको लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। दे पीप्ड अराउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने यहाँ वहाँ झांका, देखा कि अंदर कोई नहीं है और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम। अब उन्होंने क्या देखा कि बेड के जो बेड क्लोथ्स मीन्स बेड पे जो चादर वगैरह बिछी हुई थी उन्होंने वो देखा, वो तो ठंडी है और कहते कि जिससे कि लग रहा था कि साइंटिस्ट भी जो है काफ़ी समय पहले से उठा हुआ है। क्लोथ्स और बैंडेजेस कह रहे हैं कि वो भी कमरे में यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसिस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेप्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। कहते कि फिर अचानक से क्या हुआ, मिसिस हॉल ने अपने कान के पास सांस लेने की आवाज़ सुनी। तो कहते कि कुछ ही पल बाद क्या हुआ, बेड पोस्ट पे हैट पड़ी हुई थी वो वहाँ से उठी और सीधे उसके फेस पे जाके लग गई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। फिर क्या होता है कि उस बेडरूम की चेयर जो है उसमें जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाती है, स्प्रिंगिंग वो हवा में उड़ती है और सीधे उसकी जो है लेग्स पे जाके लगती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैश एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। तो कहते हैं कि जैसे ही हस्बैंड और मिसेस हॉल जो है डर के मारे टर्न करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी वो उनको क्या करती है, दोनों को रूम से पुश करती है और जैसे उनको पुश करती है तो फटाक से जो डोर है वो बंद हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर। अब कहते हैं कि मिसेस हॉल जो थी वो लगभग बेहोश हो ही चुकी थी और कहते उसने ये मान लिया था कि उसके रूम में जो है कोई बुरी आत्मा आ गई है और उस बुरी आत्मा को जो साइंटिस्ट है उसने फर्नीचर में उसको एंटर करवा दिया है। माई पोअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो मिसिस हॉल जो है दुखी होती है और बोलती है कि मेरी माँ इस चेयर पे बैठा करती थी और कहती है देखो कि आज यही चेयर जो है मेरे अगेंस्ट रेज हुई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बल्गरी
एट द क्लर्जी मैंस हाउस विकम नोन द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब कहते हैं कि जो आस पड़ोस के जो नेबर्स थे, कहते कि उनकी यही फीलिंग थी कि ये सब जो ट्रबल हुआ है ये किसी जादू टोने की वजह से हुआ है। अब कहते कि क्या पता जादू टोना था या नहीं था, लेकिन कहते कि जब ये न्यूज़ जो थी चोरी की क्लर्जी मैन के हाउस से सबको पता चली, कहते कि सबका शक जो था वो किस पे किया, साइंटिस्ट पे। सबने सोचा कि इसमें उसी का हाथ हो सकता है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। तो कहते हैं कि अब क्या हुआ, कहते हैं कि अब उनका शक और पक्का हो जाता है जब साइंटिस्ट जो है उनको कैश जो है वो देता है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल। मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपियर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब कहते हैं कि उन्होंने चोरी से कॉन्स्टेबल को भी बुला लिया था। कहते हैं कि कॉन्स्टेबल का वेट करने की बजाय मिसिज हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई और कहते कि हु हैड समहाउ, कहते वो जो कि किसी तरह से बड़े रहस्य से खाली रूम में अपियर हो गया था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। अब मिसिज हॉल जो है उससे डिमांड करती है कि तुम मुझे बताओ भाई कैसे मेरी चेयर जो है वो लाइव हो गई और तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे। और वो कहती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली रूम में कहाँ से यहाँ आ गए और लॉक्ड रूम में तुमने एंटर कैसे कर लिया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्यूक टेम्पर्ड एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम ही शाउटेड, वेरी वेल आई विल शो यू। अब साइंटिस्ट जो है कहते कि वो हमेशा से ही क्यूक टेम्पर्ड था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था और कहते कि अब उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि भाई तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ। वो चिल्लाया उस पर, कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस विस्कर्स स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। कहते कि अब उसको बस मिनट ही लगे थे ये सब करने में। उसने फटाफट से बैंडेजेस विस्कर्स चश्मा फॉल्स नोज वगैरह ये सब उतारा और कहते कि ये सब करने में उसको जस्ट एक मिनट लगा। और कहते जो बार में सब लोग बैठे थे वो हैरान थे अपने सामने एक हेडलेस बंदे को देख के। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। कहते हैं कि अब कॉन्स्टेबल जिनका नाम क्या है मिस्टर जेफर, वो वहाँ आ गए हैं और कहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हुए वो ये देखकर कि उनको एक हेडलेस बंदे को अरेस्ट करना है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन कहते हैं जेफर अपनी ड्यूटी करने से प्रिवेंट नहीं हो सकते थे। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर टू पर्सन्स अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्ट विद और विदाउट हिज हेड। तो कहते कि अगर जज ने जो है वारंट दिए हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है एक पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो उस पर्सन को अरेस्ट करना ही है, चाहे वो हेड के साथ हो या फिर बिना हेड के। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तो कहते हैं कि उसके बाद एक के बाद जो है एक के बाद एक रिमार्केबल सीन होते गए, जैसे क्या पुलिसमैन जो है वो कोशिश करता है उस आदमी को पकड़ने के लिए,
और वो आदमी कह रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा है जैसे ही वो एक एक करके अपने गारमेंट उतार रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। कहते हैं आखिर में वो शर्ट जो है उसकी एक शर्ट जो है वो हवा में उड़ती है और कॉन्स्टेबल जो है खुद को कैसा महसूस करता है कि वो एक स्ट्रगल कर रहा है एक ऐसे बंदे को पकड़ने के लिए जो कि उसको जिसे वो देख नहीं सकता। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। कहते कुछ लोग भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं बट कहते कि वो सारे जो हैं खुद को ऐसा महसूस कर बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन सबको मुक्के कहीं से पड़ती हैं जो कि उनको पड़ते हैं बस कहाँ से पड़ रहे हैं ये नहीं दिखता, उनको पता नहीं चलता। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। कहते आखिर में क्या होता है, जेफर जो है वो बेहोश होके गिर जाता है जब वो लास्ट कोशिश करता है अटेम्प्ट करता है एक अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। तो कहते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, कहते हैं कि एक नर्वस सी सिचुएशन वहाँ हो जाती है, सारे चिल्लाते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि और क्या बोलते हैं कि पकड़ो उसे होल्ड हिम या कहते, लेकिन बट दिस वॉज कहते हैं कि कहना जो था वो ईजी था उसको पकड़ने से। और कहते हैं वो जो ग्रिफिन था उसने खुद को फ्री करवाया वहाँ से और नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता कि हम उसे कैसे पकड़ें। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।